प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसे डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल है। प्लास्टिक अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है और इसी वजह से इसके यूज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए फिलीपींस नामक एक देश ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दिया है, जो कि हमारे भारत देश को भी लेना चाहिए। वहाँ पर क्या है कि अगर आप वहाँ की गवर्नमेंट को 2 किलोग्राम प्लास्टिक इकट्ठा करके देते हो तो आपको बदले में 1 केजी चावल बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। इससे फ़ायदा यह हुआ कि गरीबों को खाना मिल जाता है और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में भी मदद मिल जाती है। आपको यह फैक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या यह इंडिया में लागू होना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। गाइस, आप बाल किससे धोते हो? ऑब्वियसली शैम्पू से धोते हो, लेकिन मेरा सवाल यह नहीं है। असल में मेरा सवाल यह है कि आप लोग जो शैम्पू बालों में यूज़ करते हो उसको किसने इन्वेंट किया था? किस देश में इसका आविष्कार हुआ था, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। शैम्पू का आविष्कार हमारे ही देश भारत में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब तक शैम्पू का आविष्कार नहीं हुआ था, इससे पहले लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि यह शैम्पू वर्ड जो है ये कहाँ से आया है? यह संस्कृत भाषा के चंपो शब्द से बनाया गया है। चंपो का अर्थ होता है मसाज। गाइज, आपको यह फैक्ट जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।